बाढ़ प्रभावित स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी से तत्काल राहत। देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने आदेश दिया है। सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखकर के आदेश दिया गया है। तत्काली शिक्षा कोष से एचएम और शिक्षकों को मुक्त रखें। डीईओ को स्कूल की सूची बनाने का निर्देश दिया गया और आदेश लागू करने से पहले डीएम से अनुमोदन करवाएंगे। तो आपको बताते चले ये बड़ी खबर है, शिक्षकों को राहत मिली है। डीईओ को पत्र लेकर के आदेश दिया गया है। बाढ़ प्रभावित स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी से तत्काल राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने आदेश दिया। बिहार के बाढ़ प्रभावित स्कूल के एचएम और शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत देते हुए फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस से मुक्त रखने का आदेश जारी किया है। यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और कहा है कि ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप से फिलहाल बाढ़ प्रभावित स्कूलों के शिक्षकों और एचएम का अटेंडेंस ना बनवाएं। यानी फिलहाल जो सेल्फ अटेंडेंस जो ऑनलाइन बनाया जा रहा है, इससे इन्हें राहत दी गई है। और इसके लिए यह भी कहा गया है कि अपने अपने जिले के डीएम यानी जिलाधिकारी से पहले अनुमोदन प्राप्त कर लें, उसके बाद यह आदेश जो है उसका पालन करें। कुल मिलाकर ये कहें कि शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश दिया था कि 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान जो किए जाएंगे वो ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए किए जाएंगे। यानी अगर ऐप से आप अटेंडेंस बनाते हैं तभी आपके वेतन का भुगतान होगा। ऐसे में राज्य के लगभग 11 जिले अब भी जो है बाढ़ प्रभावित हैं और वहां के कई स्कूल जो हैं बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। तो जो शिक्षक हैं वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और अगर ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस नहीं बनवाते हैं तो उनका अटेंडेंस के एवज में वेतन भुगतान नहीं होगा। ऐसे में शिक्षक संघ ने भी लगातार शिक्षा विभाग के एससीएस हों, शिक्षा मंत्री हों, उन्हें पत्र लिखा है, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। माना यह जा रहा है कि सोमवार से जो बाढ़ प्रभावित स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18,